हाँ जी कोई सवाल भी करूंगा। थैंक यू जी। मेरे को जी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है ते मैं लगता मेरे तो एक्साइटेड कोई होना नहीं क्योंकि पहली फिल्म है। म्यूजिक तो बाद हम फिल्मी करियर का शुरुआत होया ते बाद में पड़ी करी बिलकुल जी बिलकुल सारी टीम है सारी टीम का एक होर मैंबर एक फिल्मी करियर शुरुआत की है तो सू बहुत खुशी है तो नाल ही भरा साडा एक्टर है तो नाल ही साडा भरा प्रोड्यूसर है तो उदो खुशी की हो सकती है कि असी कामयाबी लई परमात्मा को करते हैं कि सारा ये फिल्म पसंद आऊगी। बहुत चंगी फिल्म बनाई हैगी एक खास मुद्दे उत्ते फिल्म बनी है चिड़िया का चंबा तुम भी सारे जरूर जाके देख के आओ चिड़िया का चंबा। उदो यही सोचा सी कि शुरुआत करनी ऑब्वियसली डेब्यू एक वड्डा मसला हुंदा है एक नवे काम की शुरुआत तो यही सी कि वखरे ढंग नाल होवे अपना करैक्टर देखिया स्क्रिप्ट देखी उहदे की उहदे रोल ने कि मैं कर सकदा हूं सो जे वह दिल नूं लग्या फिर सारे सामने बढ़ गया जी बड़ा मजा आया जी सो उन्हां दे सदका ही है कि इन्ना वधिया मैं काम कर पाया सो सारा श्रेय प्रेम सिंह भाई जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सॉरी कि मैं लेट हूँ इनकी वजह से था शाह जी को डांटो। हाँ ना दिखा लेट होने का चेहरा देखो थैंक यू सो मच आप कैसे सॉरी सॉरी मैं तो थैंक यू सो मच। हाँ जी और कुछ बहुत बटरफ्लाइज है क्योंकि ये फिल्म थोड़ा ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए मतलब सेकंड है पर पहली एक्शन फिल्म है और मैं जानती हूँ आप सब लाइक मतलब बहुत पसंद आप लोग देखने वाले हैं ना है हाँ या ना कुछ तो सर जी आपने इनवाइट नहीं किया विशाल जी अच्छा तो आई एम सॉरी पर्सनली आई होप कि आप लोग सब फिल्म को पसंद करते हैं। हाय सर हाउ फाइन हाँ जी विशाल जी बहुत बहुत रंग बिरंगे लग रहे हैं आप देख सकते हैं मैंने फैशन एडवाइस दिया सर जी को सॉरी मैंने फैशन एडवाइस दिया सर जी को और अच्छा लग रहा है ना कि नहीं आगे सॉरी सर जी अभी तो मैं इतनी नर्वस हूँ कि मैं नॉर्मली कर नहीं कर सकती हूँ तो पंजाबी पता नहीं निकलेगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा तो आई एम रियली सॉरी बहुत खुशी हो रही है आज साड़ी घर की प्रोडक्शन टीम है करोड़ फिल्म्स एंड फ्रूट चार्ट एंटरटेनमेंट और चिड़िया का चंबा एक बहुत अच्छी मूवी है और कुड़िया ले एक बड़ी अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने सो सारे ने मूवी मैं रिक्वेस्ट करना सारी पंजाबी ऑडियंस नूं कि बहुत घट मूवीज इदा दन दी हैं सो जरूर टाइम कट के सारे जने मूवी देखने जाओ और साड़ी टीम नूं एप्रीशिएट करो थैंक यू सो मच थैंक यू। हाँ बहुत जल्दी एक्चुअली ऐदा दी सोहनी कुड़ी नाल फिल्म जदों मिलोगे तुसीं फिल्म देखी मिस्टर एक्स बिल्कुल हाय बिल्कुल बिल्कुल सारी ऑडियंस इन्हां नूं देखण आई है बिल्कुल फॉर श्योर ऑल द बेस्ट मायरा ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच फिनिश होने के बाद दोबारा Thank you guys. Yeah, I'm so happy. मतलब I'm punctual. I'm very, very, very excited. Finally, the day have come and mixed जिया feelings हो रही हैं अंदर थोड़ी जी nervousness हो रही है खुशी बहुत ज़्यादा है since I've not watched the film yet so let's see what's going to happen. बहुत प्यार जी हाँ जी किस तरह की उम्मीदें लेके चले
ट्रेलर जदों असीं रिलीज़ कीता एक्चुअली ट्रेलर नूं बहुत लोगों ने प्यार दिता आ असी बहुत सोहने तरीके दे नाल मतलब अपना कॉन्सैप्ट लैके आ रहे हैं जो पंजाबी इंडस्ट्री नूं मैनूं लगता है कितने होर लैके जाता है बिकॉज डिफरेंट कॉन्सैप्ट हरेक कोई रिस्क नहीं लैंदा सो साडे प्रोड्यूसर डिंपल मैम ते डिंपल खरौड़ मैम ते अभय सर जी का मैं शुक्रिया करना चाहती हाँ कि इतना डिफरेंट कॉन्सैप्ट वो लैके आ रहे हैं जिदे नाल पंजाबी सिनेमा च थोड़े चेंजेस आने और आ भी रहे आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू प्रेम सर प्रेम सिंह सिद्धू जी साडे डायरेक्टर बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करना चाहूंगा खरौड़ फिल्म फ्रूट चाट एंटरटेनमेंट का स्पैशली मेरे भाभी जी मेरी भैन डिंपल खरौड़ मैम का है ना सो यह सारा कुछ जिहड़े आप इत्थे अज जुड़े हाँ जो इस प्रोजैक्ट में इत्थों तक असीं खिंच के लैके आए सो यह सारा कुछ उस एक लेडी की बदौलत डिंपल खरौड़ मैम की बदौलत सारा कुछ होया ते बाकी सारी टीम ने मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के मेहनत की है मैं कल्ला कुछ नहीं सी कर सकता मेरे नाल जिहड़ी मेरी टीम है जिवें सिमर गिल हो गए गुरकीर्तन हो गए अभयदीप मुत्ती बाई जी हो गए सो सारी टीम ने रल मिल के मेहनत की सो अज सारा कुछ तुहाडे सामने लोगों की कचहरी च आ गया और स्पैशली मैं कहना चाहूँगा मेरिया चार चिड़िया बारे सो नेहा पवार महनाज मान शरण कौर अमेरा दस्तूर सो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्हों इन्ना ज़्यादा असी मिट्टी के लटाया है ना सो मतलब कि टोटली जिहड़े जोन के रेंदे ने टोटली उस जोन चो बाहर कढ के इन्ने औखे हो के असी शूट किया सो पर इन्होंने एक साडा 18-18 घंटे भी शूट चलिया सो इन्होंने एक मिनट वास्ते भी मत्थे ते शिकन नहीं लैके आती सो उहदा रिजल्ट अज साडे सब दे सामने आ रहा है बाकी भी टीम की जिनी कास्ट संजू सोलंकी भाई प्रभ गरेवाल बलविंदर बुलट भाई आशीष गुगल भाई मैं सारे का धन्यवाद करता सो टीम एफर्ट है जी असी कुछ वक्रा कहने की कोशिश की है सो जो तुम कुछ टोटली वक्रा कुछ कहने की कोशिश करते हो तो थोड़ू बहुत सारिया मुश्किलों के बीचों भी निकलना पैदा है सानू भी पिछले दिनों के बहुत सारिया मुश्किलों के बीचों भी निकलना पाया फिर भी असं तो सन्मुख आ रहे हैं मैं दावे नाल कहना कि एक बहुत चंगा प्रोजेक्ट असं लैके आ रहे हैं जी थोड़े को सो उम्मीद है कि रिस्पोंस भी उही मिलेगा मतलब सारे बंदे बहुत वधिया रिस्पोंस दे रहे ने एक नवा सिनेमा सिरजन की कोशिश की है प्रेम सिंह सिद्धू सर ने जो डिंपल मैम ने अभय सर ने मतलब की एक बहुत ही उपराला किया है मतलब शुरुआत की एक नवे सिनेमे की तो मैं तो सारे दर्शकों जो भी देख रहे हैं जो आए हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं चाहना भी कल तो अपनी फिल्म लग रही है चिड़िया का चंबा तो जरूर देखने जाए थैंक यू हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं देखो मैनू मौके मिलने हूँ जिन्हें भी मैं डायरेक्टर से कैमरे थ्रू देख रहे हैं तो मैं अप्रोच करो मैं पॉजिटिव भी करूँगा जिदा का किरदार मैं मिल रहा है मैं लगता मैं वो एक खरा उतरा तो मेरे लिए ज्यादा वही है थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलो ठीक है सारे ट्रेलर देख लिया मैं सब तो पहला आ गया हाँ जी असि बहुत ज्यादा मेहनत की है सारे ने बिकॉज जिदा तुम ट्रेलर च पता लगे होगा कि किन्नी ज्यादा सारे ने मेहनत की है फर्स्ट टाइम एक तो फीमेल एक्शन मूवी आ रही है तो सारी डबल मेहनत लगी है पहली बार सो एक तो डिफरेंट कंटेंट है क्योंकि इदा का फीमेल ओरिएंटल कंटेंट मैनू नहीं लगता पहला कभी आया है
और मैसेजेस भी बहुत ज्यादा आए थे बिच ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਲ ਔਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਟ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਚ ਕੈਰੇਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਣੋ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਣੋ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਦਬੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਕੈਰੇਕਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹੋਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੂਮਨ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੋਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਾਊਂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਮਾਈ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਬਟ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲਿੰਗ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਸ ਅ ਡੈਬਿਊਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਸੇ ਗਰਲਸ ਔਰ ਬੋਇਸ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੋਇਸ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਡੇਅਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਰਾਈਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ
पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। सब तो बड़ी गल है कि जरा विषय ना बिल्कुल फ्रैश है, कंटेंट बहुत अच्छा है, फीमेल तो हैगी है मूवी। सो बाकी तुम ट्रेलर सारे ने देखे और पता लग ही गया, तो बाकी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। नहीं 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 एक्चुअली हाँ विलन भी नहीं आया बट पॉजिटिव भी बहुत आया। हाँ जी हाँ जी 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 और ये विलन नहीं है, इंस्पेक्टर का करैक्टर है, वो पॉजिटिव ही है एक्चुअल। हाँ जी और जिन्ना भी है एक हाजरी है छोटी जी, ज्यादा नहीं है जी। डिफरेंट ये भी काफी विषय बिल्कुल हट के है एक्चुअली, फिर चार कुड़ियों की कहानी है उन्होंने सारी स्टोरी चल रही है, क्योंकि साढ़ा चिड़िया का चंबा वे बावला सा उड़ जाना है, एक बहुत एक लोक गीत भी है, पर चिड़िया किमें शेर बन के टुट के पैंदियां ने उन्होंने लोगों जे अज भी बहुत गलत निगाह के नाल कुड़ियों देखते हैं, वो इस फिल्म देखने को मिलेगा कि एक फीमेल की ताकत की है, वो किमें वो लड़ सकती है जो अपने आप पर आ जाए, यह थोड़ा फिल्म देखने को मिलेगा। अज साड़ी फिल्म रिलीज हो रही है चिड़िया का चंबा, उस शरीफ जिहा करैक्टर मैं भी किया, तुम सारे को पता शरीफ जिहा करैक्टर करता है मैं, तो बड़ी आसा ने फिल्म बहुत अच्छी बनी है। प्रेम सिद्धू भाई बहुत ही कमाल के डायरेक्टर ने, मेरी भैन डिंपल खरौड़, अभिदीप, तो बहुत ही चोनवी फिल्म करनिया चाहते ने, ये भी एक चोनवी फिल्म है, साडा कम से फिल्म बनाना फिल्म बन चुकी है, तो हम फिल्म थोड़े हाथ के सारी फिल्म का सुनेहा जो है लोगों तक लेके जाना है, तो सचमुच मतलब पैसा वसूल फिल्म है, बस जिहड़े लोग फिल्म देखने को देख के वाह वाह जरूर करना एक बार, थोड़ा सारे का बहुत धन्यवाद, तुम आए, थैंक यू, मेहरबानी, तो सुनेहा लोगों तक जाऊगा तो लोग फिल्म देखेंगे। मेनू इस चीज की बहुत खुशी है क्योंकि मैं खुद इस चीज महसूस करता हूं, क्योंकि आप गल करते हों साउथ दी वो अपना सिनेमा कदों ग्रो करूगा, तो मैंने लगता इदा दिल्म जो बन गई एक्सपैरीमेंट कर जिम्मे प्रेम भाई का मैं जिंदगी जिंदाबाद उन्होंने काम किया चिड़िया जम्बा इन्हों की आई भी उन्होंने जो है जॉनर है इतना ट्रीटमेंट वाला जो बहुत क्रिएटिव भाई मतलब है वो चीज़ा इदा के सब्जेक्ट आने तो मैं लगता अपना सिनेमा डेफिनेटली ग्रो करूगी, एक्सपैरीमेंट हो रहे हैं वही कॉमेडी वाले मसले तो हट के अपना मैं लगता आप होर लिफ्ट कर रहे हैं अपने इदा के एक्सपैरीमेंट इदा के सब्जेक्ट लगे। हाँ ये चीज़ का बहुत है क्योंकि हरेक डायरेक्टर की अपनी कमांड होती है भी कोई किस जॉनर च परफेक्ट होंगे है, पर मैं लगता प्रेम भाई का यह जॉनर बहुत परफेक्ट है, उन्होंने होल्ड बहुत है भाई ना, मैं काम करके बड़ा कुछ सीखा, जिंदगी जिंदाबाद भी सफाई में आनी है, तो ये भी उसको वधिया एक्सपेरीमेंट मैं वधिया लगा। हाँ मतलब वधिया चीज़ है फिल्म तो मतलब आए रही हैं हूँ सिनेमा अपना ग्रो कर रहा आप साउथ का मैं लगता जो बहुत जल्दी है इदा एक्सपैरीमेंट होंगे रहे तो साउथ में बहुत जल्दी टक्कर दे देंगे, तो मैं इस चीज़ की बहुत खुशी है क्योंकि थैंक यू फॉर आर मूवी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम गुरमू है जी। हैलो भाजी, सत श्रीकाल जी, मेरा नाम गुरमू है, मैं फिल्म का म्यूजिक किया है जी, गुरनाम भाई ने गाया, सरना जी ने गाया, हरमन भाई ने लिखा, उदय प्रताप जी ने लिखा, तो गाने सुनते तो फिल्म लैके असं बहुत एक्साइटेड हाँ, तो मतलब काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि डिफरेंट कंसैप्ट है, फिल्म की स्टोरी तो मैं पता है बट हम देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट हुई है, सारा मतलब रियली बहुत पॉजिटिव फील है। थैंक यू। अपना जी फिल्म च गाना भी है, अभय भाई अपने वड्डे भरा ने, आप उन्होंने भी काम कर रहे हैं, तो बहुत कंग्रेचुलेशन पहले सारी टीम जिन्होंने इस इन्नी वधिया मूवी
बनाने लिए इन्ना एफर्ट लाया सारे ने बहुत बहुत मुबारक एंड मेरे वालों कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत बधाई भी कि मूवी वधिया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चंबी चिड़िया थैंक यू सो मच जी। बस एक्साइटिंग है जी, थोड़ा बहुत प्यार मिलिया, थोड़ा बहुत साथ मिलिया। असी जिन्ना जोर ला सकते से असी लाया मूवी की मेकिंग भी और मार्केटिंग दे विच भी। तो हुण कल नूं मूवी रिलीज़ हो रही है, तुहाडे सारयां दे सामने हुण थोड़ी देर दे विच आ जाएगी, स्रोतियां दे सामने कल तो सवेर तो आ जाएगी। उम्मीद करदा उहनूं भरवां हुंगारा मिलेगा। तो आपका प्यार इदां ही वधांदे रहो, इदां ही सानूं प्यार करदे रहो। थैंक यू सो मच। देखो मैनू ना कॉन्टेंट सुन के बहुत बहुत ही चंगा लगा सी, पर जिद्दण मैं पहला टीजर देखा सी जिहड़ा सी जुलाई दे विच आउट कीता सी, ते मैं मन च नहीं सोच मैं मन च यही सोचा सी कि इन्ना वधिया टीजर मैं नहीं सोचा सी, ते पिक्चर की होएगी। फिर ट्रेलर ने उन्होंने दो कदम होर वड्डा करता। हुण पिक्चर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हजे तक नहीं देखी, तो जिन्हें तुसी एक्साइटिड हो मैं भी एक्साइटिड हाँ। मैं सब अंदर कही जाता मैं शुरू करो बाकी गैसट आते रहेंगे। सो मैं बहुत एक्साइटिड हाँ, उम्मीद करता कि कॉन्टेंट भी जिमें ट्रेलर तो टीजर मेरिया एक्सपैक्टेशनस से ऑडियंस दैक्सपैक्टेशनस तो व्डा से, मैं उम्मीद करता ट्रेलर भी उड़ा ही वा मूवी भी उड़ी वाई। देखो मैं इनिया इंटरव्यूज कर लिया अज जिन्ना नर्वस मैं कभी नहीं देखा होना। मैं अज फंबल भी कर रहा, अज मैं घबराया भी हाँ, साढ़े भाना भीर आए साथ देंगे ने, सारे भरा साथ देंगे ने, तो अज मैं फंबल भी कर रहा। अच एक्चुअली मैं नर्वस हाँ, नर्वस मैं कॉन्टेंट नू लेके नहीं है, पर वो एक होंगे ना कि एक्साइटमेंट होंगी है। मेरी पहली मूवी द रेड कारपेट है, तो मैं वो उत्ते खड़ा होया, अटेंड बड़े किए हैं, होस्ट अच मैं पहला कर रहा, तो एक नर्वसनैस जी हैगी है कि जदों मूवी 3 घंटे बाद खत्म होएगी उदों आप जो इंटरैक्ट करा उदो ते चेहरे दसणगे कि तुम पसंद की है कि नहीं, तो वो 3 घंटे बाद रिजल्ट का मैं नर्वसनैस हैगी है। अभय भाजी बस तुम चाहिए भी नवे प्रोड्यूसर होर होना जी, हम काम कर करके थक गए भाजी उन्होंने लै गए मेरे वालों इन्होंने मूवी शुभकामना होपली वधिया होगी जी। मेरी पहली मूवी जिंद मैं मार्केटिंग की थी कैरी ऑन जट्टा जी 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 11 साल हो गए, बाई दी भी अगले हफ्ते मूवी आ रही है, ओदियां प्रमोशनां च भी उलझे होए सी, तां मैनूं कहिंदे मैं आवांगा पक्का, साडियां कैंपेनिंग चल रही है पर आवांगे, पर बाई ने मान रखिया, बाई पहुंचे। थैंक यू सो मच भाई। देखो ये कलैबोरेशन पक्की है, किन्ने टाइम बाद होएगी ये नहीं पता, ये पक्की कलैबोरेशन है। कलैबोरेशन पक्की इन फ्यूचर देखेंगे। मैनू ट्रेलर बहुत वधिया लगे जी, मैं स्पैशली इन्हां नू इनवाइट किया मेला करोना ने, मैं भाई मैंने ट्रेलर वधिया लगे, तुम आके इतने मेले से भी आके सपोर्ट करो जी, ट्रेलर बहुत वधिया, तो मैं उम्मीद है कि फिल्म भी बहुत वधिया बनेगी, इन्हें एक्सपीरियंस है बंदे। थैंक यू सर। थैंक यू एंजॉय करो प्लीज। हाँ जी, साडी एडवांस बुकिंग खुल गई है।
ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਗਾਇਸ, ਸੀ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਆਏਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਜੰਮਾ ਲਈ ਭਾਅ ਜੀ, ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਜੰਮਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜੀ ਔਰ ਵੂਮੈਨ ਓਰੀਐਂਟਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਨੇਮਾ, ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੇ। ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਵੇਸ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਊ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇਖੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ
कि मतलब कह लो मेरी स्टूडेंट टाइप ही है कुड़ी, मैं स्पेशल उदे करके आया। सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जेडे अज इतने चिड़िया का चंबा प्रीमियर से तुम साथ दे रहे हो। एक मैं कह भी एक बहुत ही पंजाबी टच की परिवारक फिल्म है, तो बाई का अपने का हीरो है जेडे शिवजोत उन्होंने डेब्यू मूवी है यह, तो एक तरह न बहुत ही जो आप कहेंगे जोड़ा अपना डे टू डे रूटीन पंजाबी सभ्याचार जो चलता है जो कुड़ियों अजक हों वो सारे तो टच करती है। एक साढ़े नाल जो आप कह लिए एक तरह का परिवारक ही फिल्म है बाई प्रेम सिद्धू, उन्होंने असं पहला भी बहुत काम किया, बाई दीप की भी साड़ी फिल्म बाई ने जिमें जोरा च वो असिस्टेंट डायरैक्टर से गिल साहब न, फिर एक साड़ी आने वाली देसी भी सी बाई दीप न, तो उन्होंने फुल फ्लैश एज ए डायरैक्टर मूवी आ उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक आ, तो सारी टीम को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना भी है जी उन्होंने मूवी आ चिड़िया का चब्बा ये ग्रेट सक्सैस अचीव करें। बाकी फिर तो सारी प्रेस का भी धन्यवाद जिन्होंने ये सारा मीडिया कवरेज किया है, थैंक यू। जिनी भी मार्केटिंग हुई जो भी अभी मार्केटिंग कर रहे थे पहले से ये सोचा सी कि भाजी को मैं असं सारे इकट्ठे मार्केट करांगे, पर भाजी का थॉट प्रोसैस जो फिक्स सीगा कि मैनू कॉन्टेंट पर ज़्यादा जोर लाना तुम आपका जॉब देखो, इसलिए मार्केटिंग के नाल लिया है असं इकट्ठे कितने भी नहीं विखे, तो मैं क्या मैं हम भाजी अंदरों बैठे खिंच के लिया मैं क्या आप एक फोटो इकट्ठिया ने खिंचा है मेरा कुछ नहीं है, मेरा थॉट जो बाहर आ सके तो यह दो बंद की बदौलत आ सके बहुत वधिया यार सारे नूं सस्काल, बहुत वधिया फिल्म देखने आए आपां सारे, ये मेरा भरा है इन्हे बनाई है फिल्म, मैं अपने प्रीमियर जिन्हें नर्वस है अज उन्ना ही खुश है अज, ते अज असीं कुछ ना कुछ बहुत वधिया देखांगे अंदर। जदों भी मैं कुछ इंडस्ट्री तो राय लैनी हुंदी ट्रेलर कट्टिया सी टीजर कट्टिया सी सबना पहले मैनूं इस क्रिटिक दे रिव्यू चाहिए हुंदे ने, फिर वो कॉल एक घंटे दी हुंदी है हाँ फिक्स है हाँ जी बहुत सोहनी फिल्म है जी, तो खास करके साडा भरा शिवजोत साडी टीम है जी साडी जिंद जान है भरा है वह भी सोने पहली फिल्म सी उहदी बहुत कमाल दी लगी, तो बाकी कुड़ियों का कम सारिया ने बहुत वधिया कम किया, तो एक चंगा एक कॉन्सैप्ट सीगा, एक मैनू लगता है कि सारी टीम नूं बहुत बहुत मुबारक है, इदां दी फिल्मां बननियां चाहीदियां ने, तो होर नवे प्रोड्यूसर इदां दी फिल्मां बनाउण ते डायरैक्टर ने बहुत सोहना कम किया, बहुत सोहने कई स्क्रीन प्ले दे विच कई कई बहुत सीन बहुत कमाल दे सीगे, सारी टीम नूं फिर तो बहुत सारिया मुबारक, चिड़ियां का चंबा सारे जरूर देख के आओ, सानूं तां बहुत सोहनी लगी।
ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀ ਟੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਆ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਵੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਖਰਾਬ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਬਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਛਾਇਆ ਚੰਬਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਕਮਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕਮਾਲ ਤੇ ਮੇਨ ਸਿਰਾ ਡਿੰਪਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਓ ਛੋਟੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਹੁਣ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਯਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ
और सानू कंटेंट पूरी स्टोरी फॉलो करनी चाहिए जो पूरी स्टोरी एक कॉम्बीनेशन पूरा वधिया आता आई थिंक फिर हर कैरेक्टर हर आर्टिस्ट सैटिस्फाइड ही होगा आई एम हैप्पी विद माय कैरेक्टर हम सब बहुत बहुत खुश है हमने दिल दिया इस फिल्म के लिए जान दिया इस फिल्म के लिए और जो हमने बड़े पर्दे पर अभी देख लिया ना आई थिंक हम सब बहुत खुश है बहुत सेटिस्फाइड है बहुत आराम से सोएंगे आज रात सबसे मुश्किल चीज वो मैटाडोर ही था मेरे लिए और आपने देखा किस तरीके से हमने चलाया बहुत 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 अच्छा था लेकिन फिर भी बहुत अच्छे शॉट्स आए हैं मैटाडोर तो चली ही चली और आई थिंक वो चलती ही रहेगी बहुत बढ़िया लग रहा है एक्चुअली फिल्म देखने तो बाद हाले एक्चुअली उस निकल नहीं पा रहे माइंड इज स्टिल देयर क्योंकि आज से फिल्म देखी है बट जिदा ट्रेलर नु प्यार मिलिया होपफुली ऑडियंस तो सानू साडी फिल्म नु भी उन्ना ही प्यार मिलेगा सो पता हुण एग्जाम दे बहुत बढ़िया लगा ये तो ताबड़तोड़ चलाते समय यार रियल में नहीं है मतलब फेक पुलिस चलाई हूँ लेकिन आई होप कि मैं कभी रियल में ना चला जरूरत ही ना पवे सानू कभी रियल च फिल्म दी चिड़ी ये कहना चाहती है कि सब तो पहला था प्रोड्यूसर सर ते डायरेक्टर सर नु बहुत बड़ा थैंक यू कि मैंने इस फिल्म दे थ्रू डेब्यू करने का मौका मिला मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड था जिन्ना भी मैं सोच के आई सी करूँ कि मैं ये बोलूंगी वो मेरे दिमाग च नहीं आ रहा बट फिल्म देखने तो बाद मैं यही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों नु कि ये जो फिल्म है ना सिर्फ सोच दी आजादी बारे गल नहीं करती मैनू आज पूरी फिल्म देख के पता चल गया कि सर ने होर किन्ने सारे टॉपिक्स नु किन्नी सारी स्टोरीज नु छोटी छोटिया नु कवर किया है जो कि दर्शकों की रियल स्टोरीज ना जरूर रिलेट करनगियां ते हजे मेरा दिल धक 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 कर रहा है तो बहुत मजा आया सारे ना काम करके ते होप कि सारे दर्शक भी बहुत प्यार देंगे शुक्रिया जी एंड थैंक यू फॉर ऑल द मीडिया सपोर्ट तुसी वध चढ़ के सपोर्ट दे रहे हो पहली बार फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनी है फीमेल एक्शन फिल्म थैंक यू जी सो मच थैंक यू सो मच Thank you so much. I feel like I'm exam passing. Thank you so much. Sorry, मैंने पता था ही तुसी ये कर नहीं पाए, but please देखिए. मुझे क्यों शक्ति?